हेलो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए आज डेट है 7 अक्टूबर और फिलहाल ये बैंक निफ्टी का सिनेरियो है और ये निफ्टी का सिनेरियो है। मुझे यहाँ पे ट्रेड पता है मगर मैं थोड़ा सा कंफर्म कर रही हूँ कि ट्रेड वैसी ही जाएगी या नहीं। देखिए बैंक निफ्टी इस समय बहुत ही खतरनाक मोड पे है। अगर इसने ये लेवल क्रॉस कर दिया तो पैनिक सेलिंग की भी आशा है। फिर क्या होता है कि नीचे देखिए स्टॉप लॉस थोड़े बहुत यहाँ पे हैं सेलर्स के, मैं आपको बताती हूँ अभी स्टॉप लॉस यहाँ पे हैं थोड़े बहुत सेलर्स के स्टॉप लॉस। बायर्स तो जब इतना गैप डाउन हुआ तो निकल गए होंगे। अगर यहाँ इसने ये लेवल तोड़ दिया तो क्या होगा, तो उसके बाद क्या होता है कि जो ट्रेड नहीं करना चाहता है ना वो भी करता है, तो फिर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट वाले लोग होते हैं वो अपना माल निकालने के लिए बाध्य हो जाते हैं। वो अपना तो हम बस यही देख रहे हैं कि ये इसको निकालता है और मुझे लग रहा है कि ये निकाल ही देगा। तो मैं जस्ट अ सेकंड, मैं ऑर्डर रेडी रख रही हूँ लगा के, क्योंकि ये एकदम से मूवमेंट आएगा। अगर आएगा, अगर इसने ट्रैपिंग नहीं करी तो मूवमेंट एकदम से आएगा, हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर इसने इस लेवल पे ट्रैपिंग नहीं करी, यहाँ से रिजेक्शन नहीं लिया तो मूवमेंट अच्छा खासा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी लेवल टेस्ट होने को है, निफ्टी में भी। निफ्टी के प्राइस सेक्शन से ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि ट्रेड को पुट में जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे इस कैंडल को देख के क्या हुआ है, बाइंग हुई है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है। अभी मैं आपको बताती हूँ मैंने ऐसा क्यों किया है। 11 का नुकसान चल रहा है। देखिए अगर यहाँ से रिवर्स होने लगेगा यानी कि ट्रैपिंग बनाने लगेगा तो हमारा इतना छोटा सा ये यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे इतना छोटा सा ये स्टॉप लॉस है। अगर ये यहाँ से रिवर्स होने लगेगा तो हम अपना ट्रेड एग्जिट कर लेंगे। बस मुझे इस लेवल को इंतजार, इस लेवल के टूटने का वेट था। अगर यहाँ से ये बाउंस बैक कर लेता तब तो हम कॉल में चले जाते। अब देखिए फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने अगर मेरा पिछला वाला, अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा है वो 1:20 वाला, तो उसमें शायद आपको याद हो मैंने यहाँ पे ये ब्लू लाइन लगाई थी यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे टारगेट कर लिया था क्योंकि मुझे बैठे हुए मार्केट में 2-2.5 घंटा हो गया था, मैं थक गई थी पूरी तरीके से और भी काम थे मुझे। तो यहाँ पे मार्केट ने यहीं से बाउंस बैक किया है, आप देखिएगा उस वीडियो में जाके, यहीं से बाउंस बैक किया है। देखिए अब ये एकदम थोड़ी ना गिरता रहेगा, आप ये सोचिए यहाँ पे नीचे कोई स्टॉप लॉसेस नहीं है तो ये ऐसे ही थोड़ी ना गिरता रहेगा। इसके लिए क्या करेगा, ये कॉल वालों को बिठाएगा, स्टॉप लॉस क्रिएट करेगा, फिर उनको खाएगा, बिठाएगा फिर खाएगा, बिठाएगा फिर खाएगा। देखिए आज का पुट मैंने क्यों लिया है, आज का प्राइस एक्शन मैं आपको निफ्टी से अच्छा समझा पाऊंगी तो मैं निफ्टी से समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, पुराने दिन के स्टॉप लॉसेस को देखिए, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे बायर सेलर दोनों है, आपको पता है। तो यहाँ पे जब उसने इतना प्रॉफिट देख लिया और ये कैंडल ऊपर से मतलब हरी कैंडल नीचे से ऊपर आती दिखाई दी, तो वो मतलब वैसे भी मार्केट इसको नहीं निकाल पाएगा, ये कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके निकल जाएगा, तो हम इसे सीन में मान नहीं गए। यहाँ पे बायर सेलर दोनों है। जब ये इस तरह उठा तो क्या हुआ, सेलर ट्रैप हो गया होगा, बायर यहाँ पे रहा होगा, मगर फिर जब ये नीचे गया तो ये बायर भी यहाँ पे ट्रैप हो गया होगा, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं मान रहे, यानी हमारे पास स्टॉप लॉस जो है नए चार्ट के अकॉर्डिंग अवेलेबल है। अब उसके बाद क्या हुआ, देखिए उसके बाद इसने ये कैंडल बनाई, इसे देख के क्या हो रहा है, इसे देख के बाइंग आई है। फिर यहाँ पे इसने क्या किया, लेवल को टेस्ट कर लिया, यानी जितने भी स्टॉप लॉसेस थे जो यहाँ पे नहीं निकल रहे थे, जो भी यहाँ पे पोजिशन होल्ड किए हुए होंगे, तो यहाँ पे इसने लेवल को टेस्टिंग किया। यहाँ पे इसने ये ट्रैपिंग कैंडल बनाई, ये पूरी जो है हरी कैंडल आई होगी, तो क्या होता है कि बायर जो है बैठने लगता है पोजीशन में। जब बायर पोजीशन में बैठने लगता है तो लोग मतलब उन्हें लगता है कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है, और वहीं से मार्केट ट्रैप करता हुआ नीचे आता है, क्योंकि हमारे पास स्टॉप लॉसेस कहाँ है, स्टॉप लॉसेस हमारे पास इस कैंडल के पास है। अब ये क्या कर रहा है, इसने क्या किया, यहाँ पे जो है इन कैंडल्स को देख के बाइंग आई है, ये देखिए इसने मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया,
यहाँ पे देखिए इस कैंडल को देखिए बाइंग आ रही है, मार्केट क्या कर रहा है, प्रॉफिट दिखा रहा है, इल्यूजन दे रहा है और फिर इनको खाने के लिए नीचे आएगा। अगर ये लेवल ये तोड़ देता तो पैनिक सेलिंग आ जाती, मतलब काफी जगह जैसे ये सेलिंग ये लेवल इसने तोड़ा ही है ना, तो इसमें सेलिंग आ जाती, मतलब पैनिक तो नहीं सॉरी, तो इसमें सेलिंग आ जाती जो कि आ रही है इस तरीके से। क्यों? क्योंकि अगर इसे मुड़ना था तो इस लेवल को इसको तोड़ना नहीं था, उसके बाद ही मतलब उसके बाद इसे मुड़ जाना था। और सेलिंग क्यों आ जाती है मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि क्या होता है नीचे कोई स्टॉप लॉस नहीं है, तो ऐसे में जो भी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं वो ये देखते हैं कि मार्केट तो काफी डाउन हो गया, कहाँ 41 चल रहा था कहाँ 39 हो रहा है, और देखिए यहाँ पे साइकोलॉजी लेवल भी है वो भी इसने तोड़ दिया है। तो जो अपना वो सोचता है ना कि अरे और ना गिर जाए और ना गिर जाए, क्योंकि मार्केट के गिरने की कोई वो नहीं है, उठता तो फिर भी मार्केट धीरे धीरे है, गिरता बहुत तेजी से है, जिन लोगों को सालों का अनुभव है वो जानते हैं। तो उस गिरने से बचने के लिए लोग अपना माल निकालते हैं, उससे बिकवाली से जो है और ज्यादा मार्केट गिरता है। 13,000 18 देखिए एकदम 2 का 18 25 हो जाता है। सपोर्ट पे क्या होता है, सपोर्ट पे जो है बाइंग आती है, तो ये बाइंग आ रही है। अब यहाँ पे इन सेलर्स ने जो है इसके स्टॉप लॉस खाए हैं ये जो है, मगर यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हैं और ये अब इनको बिठा रहा है, कॉलर्स को बिठा रहा है। यहाँ पे ऊपर स्टॉप लॉस है नहीं, यहाँ पे ऊपर कहाँ है स्टॉप लॉस, देखिए यहाँ पे मार्केट ने लेवल नहीं तोड़ा अपना, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ट्रैपिंग ट्रेड चली है। अगर मार्केट ये लेवल तोड़ देता तब तो इसे ऊपर ही जाना था, फिर ये यहाँ पे इसने ट्रैपिंग ट्रेड चली और नीचे नीचे आया। देखिए बात क्या है कि मैंने यहाँ पे काफी होल्ड किया, आप इस तरह होल्ड ना करें, मगर प्राइस एक्शन मुझे ये कह रहा है कि इसको नीचे आना चाहिए, और ऐसे ये इस तरह तीर करके नहीं आएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉल वालों को बिठाएगा फिर उन्हें निकालेगा, इस तरीके से आएगा। और अगर इस तरह आए तो ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसे तीर से गिरेगा तो कितना गिर पाएगा, ये वाली बात है। देखिए क्या है कि हम यहाँ पे इनके स्टॉप लॉस लेने के लिए बैठे हैं, तो उसके लिए बात क्या है कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है, मगर यहाँ पे चूंकि स्टॉप लॉस ना होने के कारण हमें ये नहीं पता कि ये यहाँ से बाउंस बैक आएगा, ये यहाँ से बाउंस बैक आएगा, ये बिल्कुल यहाँ से बाउंस बैक आएगा, हमें ये बात का पता नहीं है, तो ये काफी ज्यादा रिस्की पोजीशन हो जाती, इसलिए यहाँ पे कॉल की तो ट्रेड बिल्कुल नहीं लेगी। मगर चूंकि पता है कि मार्केट को नीचे आना चाहिए इसलिए पुट की ट्रेड में बैठे हैं, आप इतना होल्ड मत कीजिए। देखिए फ्रेंड्स मार्केट इतना नीचे आ चुका है तो अभी यहाँ से इस तरह रिवर्स नहीं करेगा ये, अभी हम बैठे हैं हमारी पोजीशन में 42 का लॉस चल रहा है। जब तक मार्केट इसका लेवल नहीं तोड़ेगा मार्केट को ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो मैं इसके बाद बहुत ज़्यादा डिप की आशा में नहीं बैठी हूँ कि बहुत ज़्यादा नीचे गिरेगा, मगर ये है कि हम जो लॉस में हैं हम वो प्रॉफिट में आ जाएंगे, हम नो लॉस नो प्रॉफिट में हो जाएं शायद। देखिए मैं एक पॉइंट बताती हूँ आपको, देखिए मार्केट में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, तो इस पे क्या होता है बाइंग आती है, इस तरीके से सपोर्ट देख के बाइंग आ रही है ये। इसी तरह देखिए यहाँ पे भी देखिए ये जस्ट अ सेकंड, ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट है, तो सपोर्ट देख के ये जो बड़ी कैंडल दिख रही है ना आपको ग्रीन, ये बाइंग आती है इस तरीके से, तो इसे देख के इतना घबराना नहीं है। देखिए अगर ये इसका लेवल निकाल देता तो हम पोजीशन से एग्जिट कर जाते, मगर हम इनके लिए ही बैठे हुए हैं। और देखिए ये वाली कैंडल देखिए, ये कह रही है कि इसको नीचे आना चाहिए, और वैसे भी अगर ये इसको एग्जिट कर देता मतलब निकल जाता तो हम मगर इसे नीचे आना है तो ये थोड़ा तो ऊपर जाएगा ना पहले, अब यहाँ पे शायद ये ट्रैपिंग बना रहा है, देखिए क्या करता है। देखिए काफी देर हो गई है बैठे बैठे, Thank you.
देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहना चाह रही थी। वैसे मैं चाहती नहीं थी कि मैं आप लोगों से ये बात शेयर करूं, मगर आप लोग ये सोचते हैं कि मेरे रोज वीडियोस नहीं आते हैं एंड ऑल। तो देखिए, रोज वीडियोस बनाना तो किसी के बस की भी नहीं है। जो बिल्कुल ही थोड़ा घर परिवार से या जिम्मेदारियों से खाली हो, वही रोज वीडियोस बना सकता है, या जिसे बहुत पैशन हो। तो सर, आपको मेरी स्थिति पता है, मैं खाली तो नहीं हूँ। और अगर आप अब तक वीडियो में टिके हुए हैं, तो दैट मीन्स आपको कहीं ना कहीं वीडियोस अच्छी लग रही हैं। दैट मीन्स ये इसका मतलब यही है। सर, एक्चुअली मैं एक स्पाइन पेशेंट हूँ, और मेरे हर्निएटेड डिस्क की मुझे दिक्कत है, जो समय के साथ स्टेनोसिस भी हो चुका है थोड़ा बहुत। तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को सिटिंग ज़्यादा, मतलब सिटिंग में ज्यादा कर नहीं पाती हूँ। आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि मुझे पता है मार्केट नीचे गिरेगा, मगर चूंकि मार्केट नीचे गिरने में टाइम इतना ले लेता है प्राइस एक्शन में, तो मैं पहले से इतना बैठ चुकी होती हूँ कि मैं सिटिंग ज्यादा कर नहीं पाती हूँ। तो कई बार होता है तबीयत खराब नहीं होती है, कई बार ट्रेड नहीं बनता है, कुछ होता है। और उससे भी बड़ी बात है कि मैं टॉपिक ऐसा ले रखा है ट्रेडिंग का कि लोगों को ये नहीं लगता है कि समझे, वीडियोस को देख के समझे। उनके लिए आज अगर ये चार्ट है, तो कल ये चार्ट पुराना हो जाता है। मतलब जो व्यूज आने हैं वो इस पे आज आते हैं, कल व्यूज ही नहीं आते। सदाबहार टॉपिक तो है नहीं कि आपकी YouTube, जैसे YouTube टिप्स के चैनल्स हैं, या फिर कहानी किताबें, ये सब होता है इस तरीके से, एंटरटेनिंग वीडियोज जो होते हैं। तो मेरे मेरे लिए काफी ये हेडेक वाला काम भी है, आप समझ सकते हैं। रोज वीडियोस बनाना, जो कि हर दिन जो है एक दिन के बाद पुराना हो जाता है लोगों के लिए, तो मेरे लिए ये काफी हेडेक भरा काम है। तो प्लीज अगर आप लोग मेरी उसको समझना चाहते हैं, मेरे से कंटिन्यू रखना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मेरे, मतलब मेरी हेल्थ ही इतना अलाउ नहीं करती, ऊपर से मेरी बेबी भी है, बच्ची भी है। तो आप अपनी तरफ से मुझे सिर्फ ये इनपुट दीजिए। आप सोच रहे होंगे भाई हम सिंगल बंदे हैं, हम क्या कर सकते हैं। आप मेरे को सिंगल बंदे हैं भी, तो सिर्फ ये इनपुट दे दीजिए कि आप लोग मुझे वॉच टाइम अच्छा दे दीजिए, जिससे कि मुझे थोड़ा एनकरेजमेंट मिले वीडियोस बनाने का, क्योंकि ये काफी टीडियस काम है। आप खुद सोचिए, मैं 9:15 से जो है, मुझे 11:10 हो गए हैं सिटिंग करते करते, अब भी जो है ये कितना पता नहीं बिठाएगा कॉलर्स को, तब जाके नीचे गिरेगा, परेशान कर रखा है इसने। तो ये होता है मार्केट में, ये होता है। 3-3 घंटे, 3.5-3 घंटे भी बैठना पड़ता है कई बार। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा वीडियोस वगैरह कंटिन्यू करूं, क्योंकि मेरी फैमिली भी थोड़ा सा वो हो रही है कि तुम्हारी सिटिंग काफ़ी हो रही है, तुम्हारी हेल्थ ना खराब हो जाए, तो इस वजह से प्लीज़ आप लोग मुझे वॉच टाइम अच्छा दे दीजिए। आप मेरे लिए ये कर सकते हो, और वैसे भी आप देखते होंगे लास्ट तक भी मैं कोई ना कोई पॉइंट आपको बताती ही रहती हूँ। ये सब ट्रैपिंग चल रही है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। इसने ये लेवल मेंटेन किया है, अब यहाँ से ये पुट में जाएगा, कुछ नहीं चल रहा है। ये यहाँ पे ये लेवल मेंटेन कर रहा है, तो इसलिए मैं आप लोगों से ये थोड़ी मेरी गुजारिश है। और प्लीज कमेंट्स में ये सब मत लिखिएगा कि आपकी इतनी तबीयत खराब है एंड ऑल। मैंने ये बताने के लिए आपको नहीं किया है, मैं तो ऐसे ही बता रही हूँ आपको, क्योंकि आप लोगों को भी पता नहीं चलता आज इनका वीडियो आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो थोड़ा सा जो भी वीडियो आ रहा है, आप उससे मैक्सिमम सीखने की कोशिश कीजिए। मैंने पता नहीं आपको कितनी कैंडल्स दे दी हैं, तब भी मेरे से लोग सीक्रेट कैंडल पूछते हैं। अरे जो कैंडल्स दिए उन पे तो रिसर्च कीजिए पहले। और सर उसके अलावा देखिए, मैं एक चीज़ और बताती हूँ आपको। मेरा यूट्यूब पे एक और चैनल है, जो मैंने मुझे इससे अच्छा व्यूज दे रहा है, ये अच्छी सच्ची कहानियां कार्टून, मतलब अच्छी सच्ची कहानियां इसका नाम है, मगर कार्टून से मैं इसलिए लगा देती हूँ क्योंकि ये नया चैनल है। ये मुझे एक्चुअली एनिमेशन का पैशन है, तो ये मेरा चैनल है ASK के नाम से, ये वाला ये मेरा चैनल है। ये अपने आप ही चल गया। मेहमान भौचक्के वो देखते रह गए। फिर एक सज्जन ने हिम्मत करके पूछा, भाई साहब ये बुढ़िया की चिल्लाई? इसका ठाकुर साहब हंसते हुए बोले, अच्छा जी, हम जाने वाले को 2 ठोकर ऑर्डर दिए रहे। ये तो एक जोक था,
मगर इसमें स्टोरीज वगैरह भी हैं। अगर आप लोगों को स्टोरीज वगैरह देखने की इच्छा रहती है, अच्छा लगता है आप लोगों को देखना, मेरा मतलब यह है कि देखिए ये मुझे इससे अच्छे व्यूज दे रहा है, अच्छा रिटेंशन भी दे रहा है, मगर मैं इस पे मेहनत नहीं कर पा रही हूँ। आप सोचिए इस बात को, मैं इस पे मेहनत नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बात यह है कि ट्रेडिंग रोज का काम है, ट्रेडिंग रोज का काम है, रोज बैठना पड़ता है, रोज करना पड़ता है, ऊपर से और भी घर के भी काम रहते हैं 10। तो प्लीज आप अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं मेरे पास ऐसा वो आएगा, मतलब पीक पॉइंट आएगा कि मुझे कुछ ना कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बाद में आपसे कहूँ, इससे पहले ही मैंने सोचा आप लोगों से कह दूँ कि आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। आप इस बात को और कोई वो मत सोचिएगा, मैंने आज तक कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करी अपने चैनल की। मेरे लिए ट्रेडिंग आसान है, ट्रेड लेना आसान है, मगर बात क्या है कि मेरे लिए ये थंबनेल बनाना, एडिटिंग करना, ये 3 घंटे का वो है, मैंने कोई हर समय थोड़ी ना कुछ बोला है। एडिटिंग करना मेरे लिए जो है सबसे बड़ा टास्क है। देखिए फ्रेंड्स, शायद मार्केट अब गिर जाए तो मैं, आप समझ सकते हैं मैं ज़्यादा नहीं बैठ पाऊंगी, बहुत ज़्यादा देर हो गई है मुझे, 3 घंटे हो गए। बस मैं आपको सिर्फ प्राइस एक्शन सिखाने के लिए ये क्लास है, आप इसे प्रॉफिट और लॉस की तरह मत समझें। अभी आप कुछ सोचिए, इतना कंसोलिडेट होके गिरा है तो ये अच्छा गिरेगा, गिरना चाहिए। देखिए मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मगर आपकी पोजीशन प्रॉफिट में आ जाएगी। आप सिर्फ प्राइस एक्शन समझने की तरीके से इसे समझे। देखिए आ चुकी है पोजीशन प्रॉफिट में, मगर ये कितना नीचे गिरेगा, क्योंकि मैंने जनरली देखा है इसके बाद ये ज़्यादा नहीं गिरता, तो इसलिए मैं थोड़ी कॉन्शियस हूँ। तो मैं बस उतना प्रॉफिट कैप्चर करने की कोशिश में हूँ कि मैं थंबनेल पर डाल सकूँ, मगर मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसे प्रॉफिट लॉस की तरह ना देखें। इतना ज़्यादा होल्ड करना किसी के बस की नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन चाहिए। आप खुद सोचिए कि मैं, मेरा पैसा नहीं लग रहा तो मैं होल्ड कर रही हूँ, ये वाली बात नहीं है। अगर ये वाली बात होती, आप खुद सोचिए, नया यूट्यूबर है वो लॉस के वीडियो डालेगा तो कोई क्यों उसके वीडियो देखने आएगा? अगर मैं लॉस दिखाऊंगी तो मेरे वीडियो कोई क्यों देखने आएगा? और ये सॉफ्टवेयर है, कोई मेरे घर का चीज़ तो है नहीं। अगर मैं यहाँ पे इसको ये कर देती हूँ तो ये यहाँ पे रहता है कि हाँ भाई आज इसे 2000 रुपये का लॉस हुआ है। मैं इसको मिटोड़ नहीं सकती, मैं उसको एडिट नहीं कर सकती, तो मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट दिख लेके बैठूंगी, तभी तो मुझे वीडियो डालने में अच्छा लगेगा। अब देखिए ये बहुत छोटी छोटी कैंडल बना रहा है, इट माइट बी ट्रैपिंग अटेम्प्टिंग ओके, मगर इस लेवल को निकालेगा ये। और मेरी वीडियो लंबी भी बहुत हो गई है सर, देखिए ये कोई ना कोई प्राइस एक्शन बनाएगा और ये ऊपर भी आ सकता है, इसलिए मैं पोजीशन निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत देर हो गई है और फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे थोड़ा पेन भी हो रहा है। तो ये 23,000 रुपये के करीब है। आप लोग अपनी ये अभी यहाँ पे देखिए, ये थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी लर्निंग मिली हो तो आप चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू कमेंट डाउन बिलो द वीडियो। सब प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, वॉच टाइम दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पे रिएक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।